नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ अस्पतालों का हो रहा है कायाकल्प, तो दूसरी तरफ असम बढ़ा रहा है स्वच्छता की तरफ तेजी से कदम। सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की साल 2017 के कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा, एम्स ने मारी बाजी। असम को स्वच्छ बनाने की मुहिम हुई तेज, 2017 के आखिर तक ODF बनाने का है लक्ष्य। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 2017 के कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा की। कायाकल्प पुरस्कार में किसने मारी बाजी, ये देखिए इस रिपोर्ट में। एम्स नई दिल्ली को पहला, श्रीलंका के इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थान को दूसरा और PGI चंडीगढ़ को तीसरा स्थान साल 2017 के कायाकल्प पुरस्कारों से नवाजा गया। ये ऐसे अस्पताल हैं जो कायाकल्प के उद्देश्य पर खड़े उतरे। दिस कायाकल्प कॉन्सेप्ट वाज टू एनकरेज पीपल हु वर्क इन द इंस्टीट्यूशंस इन द फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 2015 में कुछ मानकों के साथ कायाकल्प योजना की शुरुआत की थी। मानक थे सरकारी अस्पतालों में बेहतर साफ सफाई, संक्रमण को रोकना, स्वास्थ्य सुविधाओं में संपूर्ण स्वच्छता को बढ़ावा देना, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आम जनता का विश्वास बढ़ाना, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार लाना और जैव कचरे का सही निपटान शामिल है। The maintenance, the upkeeping of the hospitals, not only in your institutions but in other institutions also and among the fraternity. कायाकल्प में राज्य के दो सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, प्रत्येक जिले के दो सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राथमिक केंद्र का चयन होता है। जिला स्तर के अस्पताल को पहले और दूसरे पायदान के लिए 50 लाख और 20 लाख रुपए मिलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 लाख और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 10 लाख की घोषणा होती है। ये चयन अस्पतालों को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने और स्वच्छता के बेहतर मापदंड पर दिया जाता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, TD न्यूज। असम में स्वच्छता को लेकर प्रयास तेज हो गया है। इसी के तहत असम सरकार ने जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक उनकी उपलब्धियों के लिए स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। असम के मुख्यमंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री समेत तमाम लोग जुटे। असम को ODF बनाने के उद्देश्य के साथ दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कारों का सिलसिला भी शुरू हुआ। रंगपारा को असम का सबसे स्वच्छ गांव चुना गया, लखुआ को असम का सबसे स्वच्छ तालुका और शिवसागर जिला को असम का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया। 2017 के आखिर तक असम को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं, जिसके तहत 27 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना है। गांव, पंचायत, ब्लॉक के अलावा अगले साल से निर्वाचन क्षेत्र को भी स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लक्ष्य के मुताबिक हर दिन 10,000 शौचालयों का निर्माण हो रहा है। अभी हमको ऑलमोस्ट 17-18 लाख टॉयलेट्स और हाउस होल्ड कवर करने हैं, जो कि बेसलाइन सर्वे में है, और बेसलाइन सर्वे के बाहर भी हमारे करीब करीब 10 लाख और हाउस होल्ड हैं जो हमको कवर करने हैं। तो करीब 27 लाख घरों को कवर करने का हमारा टारगेट है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की टीम स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ा रही है। 225,000 students across 175 colleges from 7 districts of Upper Assam are now engaged with the sanitation movement. लक्ष्य दूर है, लेकिन असम सरकार और जन सहभागिदारी से मंजिल करीब आते दिख रही है। नितेंद्र सिंह के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, TD न्यूज। स्वच्छता की आदत बच्चों में शुरू से डालना बेहद ही जरूरी है, ये देखते हैं आज के स्वच्छता मंत्र में। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप DD न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर DD न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव और @DD न्यूज हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं, और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वच्छ भारत।